आज हम आमना सामना मीडिया की टीम के साथ मौजूद है हंजर मैदान में, जो कि जुगेश्वरी में वाक़ है। यहाँ पर कांग्रेस उत्तर पश्चिम जिला का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का यहाँ पर सम्मेलन होने जा रहा है, जहाँ पर बड़े लीडरान कांग्रेस के इकट्ठा होंगे और बहुत से कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा होंगे। हमारे साथ मौजूद है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन बब्बू खान साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं, मकसद जानते हैं कि आज के प्रोग्राम का मकसद क्या है। बब्बू खान साहब, आपका स्वागत है आमना सामना में। आज के प्रोग्राम का मकसद क्या है? आज जो प्रोग्राम जोगेश्वरी में जो शुरू हो रहा है जी, इस प्रोग्राम का मकसद, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट करीब 2 साल से बंद पड़ा था जी, और आज इलेक्शन का माहौल है। हमारे ज़िला की मीटिंग, हर ज़िले में कार्यकर्ता सम्मेलन हमने शुरू किया है जी। हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट लोगों तक पहुंचे और लोगों को मालूम पड़े कि एक ये माइनॉरिटीज़ क्या है। तो इस वजह से ताकि हम लोगों तक जाएं और उनकी तकलीफें हम समाज से उठा के एक बड़े पैमाने पर पहुँचाएँ, ताकि लोगों की तकलीफें दूर हों। जैसे कि आपका डिपार्टमेंट है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, जिसमें के मुसलमान, दलित, पिछड़े, ओबीसी सभी लोग इसमें आते हैं, क्रिश्चियंस हैं, तो इनके बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन आज मुल्क में जो है ख़ास तौर से माइनॉरिटी का एक जो मसला है वो है उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, ख़ास तौर से मुसलमानों का और दलितों का। इस पर आपका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट क्या काम करेगा? एक ये भी एक हमारे मुल्क में एक बड़ा दुर्भाग्य है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जितने भी समाज आते हैं उन समाजों में सबसे दबा कुचला अगर कोई समाज है तो वो है मुस्लिम और दलित समाज। लोग इससे उभरने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाली ताकतें हैं वो इन्हीं लोगों पे वार हमेशा करती रही हैं, ताकि वो इस देश को तोड़ने में कामयाब हो जाएं। और आज भी वही प्लानिंग लोग कर रहे हैं, क्योंकि इस तबके को, कमज़ोर तबके को दबाएंगे इसी तरीके से उनका नाम होगा। वो हुकूमत में रहना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की बर्बादी वो लोग इसीलिए करना चाहते हैं कि एक समाज के ऊपर जुल्म करें जी। यही हो रहा है अभी तक। क्या वोट बैंक की राजनीति नहीं लगती आपको? ये वोट बैंक की राजनीति नहीं, मैं बोलूँगा देश बर्बाद करने की राजनीति। बब्बू खान साहब, जैसे कि अभी 2 रोज पहले संबित पात्रा जो है स्पोक पर्सन है कांग्रेस के यहाँ, उन्होंने बहुत बकवास की है और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है कि कांग्रेस में जो है मिडल मैन के हैसियत से काम करते हैं। राहुल गांधी राफेल को लेकर खासतौर से बात की, ये मिडल मैन जिस तरह से बात की है, क्या ये इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से जो कहा जा रहा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये हिंदुस्तान के किसी भी हिंदुस्तानी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि राफेल क्या है, क्योंकि आज बच्चा जान रहा है कि इस सरकार ने इतना बड़ा लोगों के साथ विश्वासघात किया है, इतना बड़ा घोटाला, जो हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ा अगर कोई घोटाला है तो वो इतना बड़ा करप्शन करने के बाद जब किसी की चोरी खुलती है तो पुरानी एक कहावत है कि अंधे को अगर अंधा बोल दो तो वो झगड़ा करने लगता है, बौखला जाता है, चोर मचाए शोर। हाँ, चोर मचाए शोर, तो वैसे ही हो रहा है। संदीप पात्रा अब पहले जो बकवास करते थे, अब उनके पास अब लोगों को बताने के लिए शब्द नहीं रहे हैं, इसके लिए उनके मुंह में जो आ रहा है वो बक रहे हैं, लेकिन लोग अब इनकी बातों को सुनना पसंद नहीं करते, बल्कि इनको समझ गए हैं कि ये जो भी बोलते हैं ये बकवास करते हैं। शुक्रिया बब्बू खान साहब, आमना सामना से बात करेंगे।